संगीत में अलग अलग प्रकार के जेस्चर्स होते हैं। जेस्चर्स से मेरा क्या मतलब है उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हाथ पांव के मूवमेंट्स, हमारे शारीरिक अंग भाव, चेहरे के भाव, और कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना बोले हम दर्शा देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, उन्हें जेस्चर्स कहते हैं, है ना। जो हम संगीत में कौन कौन से यूज़ करते हैं हम उन पर जानेंगे, जैसे कि लय अगर पकड़नी हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सुर अगर साधना हो तो हम क्या करते हैं, और कोई अच्छी सी हरकत लेनी हो तो उस जगह हम कैसा बॉडी मूवमेंट करते हैं, हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है वो जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, जिनसे कि हम अपने संगीत को अच्छे से दर्शा सकते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से जेस्चर्स की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, गाते समय हमारे अंग भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं या लाइव गा रहे हैं तो ऑडियो में भी वो मददगार कैसे होते हैं उस पर मैं आज आपको मैं बताने वाला हूं चीजें। कि कई बार क्या होता है, हम अगर सिर्फ ऐसे बॉडी मूवमेंट रख के गाएं तो गायकी उतनी खुल के नहीं आती, प्रॉपर नहीं हो पाती है। हमें थोड़ा हमारी बॉडी को फ्री रखना पड़ता है गाते समय। कॉन्शियस नहीं होना कि मैं यार कैसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मेरा मुंह ऐसा बन गया तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखना होता। आपको डूबना होता है अपनी गायकी में। जब आप अपनी गायकी को समझने लगते हैं, उसमें उतरने लगते हैं, तो अपने आप आपके बॉडी से कुछ मूवमेंट्स होने लगते हैं और उनसे संगीत आपका एक्सप्रेस होता है। सबसे छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो मैं, स्वर की बात करेंगे सबसे पहले हम। सप्तक जैसा कि आप जानते हैं तीन होते हैं, मध्य, मंद्र और तार। तो जब हम गायकी करते करते हाथ चलाते हैं, तानपुरे पर गा रहे हैं या कैसे, तो क्या करेंगे, जब हम मंद्र के स्वर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ नीचे की तरफ जाता है और हमारे हाथ से हमें कीबोर्ड दर्शाना होता है। जैसे अगर मैं गाऊं सा सा रे ग म प ध नी सा, है ना, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड ही हमारा सप्तक खुलता है और मध्य सप्तक। फिर मंद्र जाएंगे तो सा नी ध ध नी रे ग म ग म रे ग प, मैंने ग से प, ये देखिए मेरा हाथ मूवमेंट, ये आपके ओरिजिनल खुद के बॉडी मूवमेंट्स बनेंगे। प नी प सा, है ना, आप जानते हैं कि षड्ज ऊपर है पंचम नीचे है। तो हाथ ऐसा नहीं होता है, गायक जो हाथ हिलाते हैं तो कैसे भी हाथ हिला रहे होते हैं, नहीं, एक तो रीजन उसका सप्तक से रिलेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प नी सा रे गा सा नी, ये जो कीबोर्ड है वो मेरे जहन में चल रहा है और मैं वो कीबोर्ड बजा रहा हूं, है ना, आप देखें तो। फिर ये तो हो गया सप्तक के कुछ। अब जब हम, जैसे कि मैंने ये कुछ वीडियोस में बता भी चुका हूं, जब गा रहे होते हैं और ऊंचे स्वर लगा रहे होते हैं या कोई स्टेबल स्वर लगा रहे होते हैं, तो हम एक तरह का थोड़े सेकंड का पॉज ले लेते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। जैसे सा ग प ध नी धा प ग प नी धा ग प सा,
ये हम ऐसा पॉज बना लेंगे किसी भी डायरेक्शन में, कैसा भी वो आपका बॉडी मूवमेंट पर है। नी दा ग प नी दा ध। अब ये मेरा हाथ यूं गया तो इसका क्या मतलब था, मैंने ग से सा पर मींड लिया ग दा। तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये जो मूवमेंट बना, ये मींड का ही जो आप देखते हैं मींड का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है ना। ये कोई हरकत लाते लाते मैंने एक जगह छोड़ी तो मैंने उसको भी दिखाया है जो लर्जिश है, ये हाथ की लर्जिश जो हिला हाथ मेरा। ये जो कट आया झटका आया तो मैंने ये पूरे के पूरे उसमें नहीं जाया, बस जहां कट था वहां झटका दिया। तो ये जो बॉडी मूवमेंट्स है जब आप गाएंगे तो अपने आप आपके बनेंगे। फिर मैंने हमेशा कहा है कि गाते समय अपने आप को एक पेंटर इमेजिन कीजिए कि आप कुछ पेंट कर रहे हैं, और ये जो हाथ है हाथ में एक पेंट ब्रश है आपके, एक कलम भी समझ सकते हैं आप इसको, पेंट ब्रश भी समझ सकते हैं, और आपको एक डिजाइन बनानी है जब आप गा रहे हो तो, है ना। दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक हाथ का। जब आप तानपुरे पर गा रहे हैं तो आपके दोनों हाथ फ्री हैं, है ना। है ना, आपके अंग भाव जो है चेहरे के भाव से भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो स्केच करना और ये इसका मतलब होता है आप स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। अब जैसे हम तबले वाले को कहते हैं या तबले वाला गायक को अगर ये कह रहा है, इसका मतलब लय संभालो, पकड़ो, लय आपकी तेज हो रही है ज्यादा, है ना, कि ये मतलब ये आप खींच रहे हैं। जैसे किसी को पकड़ लिया आपने, बांध लिया है ना, तो इसको बांधना कहते हैं। तो हमने लय को बांध लिया कि ये लय मांगी तो यही चलनी चाहिए पूरे टाइम, हिलनी नहीं चाहिए, और स्वर ये दिया है तो ये अड़ जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये कुछ जेस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, इनका ख्याल रखें। और हाँ, कुछ हैं जिनका जिनको अवॉइड करना है, तो वो ये हैं कि ये जो भौहें हैं हमारी, आईब्रोज हैं इनका, और ये जो फोरहेड है, पेशानी है, इस पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, है ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपके बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। तो आप ऐसे 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 ज़्यादा करके ऐसे अवॉइड करें कि ये जितना कम हो सके, हो सके जितना नॉर्मल फेस रखिए ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे। वैसे ये गायकों के गुण अवगुण में आता है, ज़रूरी नहीं है इसको फॉलो किया जाए चेहरे के अंग भाव, क्योंकि कई गायक हैं जो फॉलो नहीं करते हैं और हम उनकी गायकी तब भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर ख्याल रखें तो अच्छा होगा। वैसे तो एक बार हम डूब जाते हैं अंदर तो हम ये सब का ख्याल नहीं रखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं और क्या कहाँ देख रहे हैं, कहाँ नहीं देख रहे हैं, हमारे चेहरा कैसा लग रहा है। बट फिर भी अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो हम जैसे कहते हैं फोटोजेनिक, वैसे हम कैमरा जेनिक या वीडियोजेनिक हो जाएंगे, तो यू नो देखने में भी लोग हमें पसंद करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, बाकी तो और तो कुछ है नहीं, यही कुछ जेस्चर्स हैं जिनको हमें समझना होता है। और थोड़ा मॉडेस्टी हमारी गायकी में दिखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो ईगो नहीं दिखना चाहिए, घमंड नहीं दिखना चाहिए हमारी गायकी में, उस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये कुछ जेस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हैं जिनका ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़ को, एंड कुछ ना कुछ नया टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड धन्यवाद।